जमा छ बी कॉस का स्क्वायर, इसकी हमको तौसी करना है। जैसे कि आपको पता है यहाँ पे जमा की अलामत है, तो हमारे पास मुरब्बई अलजेब्रिक जब्तों में जो है जमा का जो फॉर्मूला है जाप्ता है ए जमा बी ब्रैकेट का कॉस का स्क्वायर वाला जाप्ता इस्तेमाल करेंगे, जो कि है ए स्क्वायर जमा दो ए बी जमा बी स्क्वायर। इस सवाल में हम ये जाप्ता इस्तेमाल करेंगे क्योंकि सवाल में आपको जवाब दिया हुआ है, ये दोनों अदद की आपको जमा की सूरत में तौसी करना है, ये अलजेब्रिक जाप्ते का इस्तेमाल करके। तो यहाँ पर ए ये जो पूरा पांच ए ये जो टर्म है ये ए है और ये छह बी ये यहाँ पर बी है, तो जब जब आपको ए दिखाई देगा आपको ये पूरी पूरा नंबर पांच ए दिखना है, जहां जहां बी दिखाई देगा उसी जगह पर आपको छह बी रखना है। तो चलिए हम हल करते हैं, ए स्क्वायर यानी पांच ए का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे ए क्या है पांच ए, पांच ए लेकिन इसकी पावर दो जमा दो एज इट इज, इनके बीच में जर्ब होता है, जर्ब ए क्या है अगेन दिस फिर से ये पांच ए, जर्ब बी यानी छह बी जहां जहां बी देखेंगे वहां आपको छह बी लिखना है, जमा जाप्ते में है बी स्क्वायर यानी छह बी का स्क्वायर छह बी की कुवत दो। चलिए अभी इसको हल करते हैं, पांच की कुवत दो ब्रैकेट में यानी इसकी भी कुवत दो है पांच की और ए की भी कुवत दो। चलिए पांच का मुरब्बा, पांच का मुरब्बा है पच्चीस, ए की कुवत दो जमा इन सब का जब कीजिए पांच दूनी दस, दस छह के साठ, साठ ए बी जमा छह का मुरब्बा छत्तीस बी की कुवत दो। इस तरह से हमारा जवाब आया है पांच ए जमा छह बी कॉस की कुवत दो का जवाब है पच्चीस ए की कुवत दो जमा साठ ए बी जमा छत्तीस बी की कुवत दो। इसी तरह अब हम दूसरा सवाल देखते हैं जो है ए बट्टे दो जमा बी बट्टे दो कॉस की कुवत दो, यहाँ पर फिर से जमा का जब्ता इस्तेमाल करेंगे जो है ए स्क्वायर जमा दो ए बी जमा बी स्क्वायर, ये जाप्ता हम यहाँ पे ए जमा बी कॉस की कुवत दो का जाप्ता इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए जहां जहां ए है वहां आपको ए बटे दो लिखना है और जहां जहां बी है वहां पर बी बटे तीन लिखना है। तो चलिए ए की जगह पर हम रखेंगे ए स्क्वायर यानी ए बटे दो का स्क्वायर जमा दो फॉर्मूले में जाप्ते में इसलिए दो जैसे कि वैसे रखेंगे, इनके बीच में जर्ब होता है, जर्ब ए ये जिस तरह ये आपका ए है तो जब जब ए है तब तब आपको ए बटे दो लिखना है, फिर से जर्ब बी आपका ये है बी बटे तीन जमा बी की कुवत दो यानी ये बी बी बटे तीन और उसकी कुवत दो। चलिए इसको हल करते हैं, ए की कुवत दो बटे ये दो की कुवत दो यानी दो का मुरब्बा क्या आएगा चार। अभी जमा यहाँ पर देखिए ये दो कैंसिल हो जाएंगे, दो एक कर लो दो एक कर लो, क्या बचा है ए और बी ये दोनों के बीच में जर्ब होगा बटे यहाँ पर क्या बचा है नीचे तीन जमा बी की कुवत जैसे कि वैसी और तीन का मुरब्बा नौ। ठीक है इस तरह से हमारा जवाब आया है ए बटे दो जमा बी बटे तीन कॉस की कुवत दो का जवाब है ए स्क्वायर बटे चार ए की कुवत दो बटे चार जमा ए बी बटे तीन जमा बी की कुवत दो बटे नौ। चलिए अब हम देखते हैं तीसरा सवाल जो है दो पी नफी तीन क्यू कॉस की कुवत दो, तो यहाँ पर आपको नफी का जाप्ता इस्तेमाल करना पड़ेगा, ए नफी बी कॉस की कुवत दो का जाप्ता आपको पता है ए की कुवत दो नफी दो ए बी जमा बी की कुवत दो, ये जाप्ता आपको इस सवाल में इस्तेमाल करना है, ए यानी ये टू पी और बी यानी थ्री क्यू, जहां जहां आपको ए दिखाई दिया वहां पर आपको टू पी रखना है, जहां जहां बी आएगा तब वहां पर तब आपको थ्री क्यू रखना है। तो चलिए हम मिसाल हल करते हैं, ए की कुवत दो यानी ये पूरा ए है टू पी की कुवत दो
जमा बी की कुवत दो यानी थ्री की, थ्री क्यू की कुवत दो। तो चलिए दो का मुरब्बा चार, पी की कुवत दो, जैसी की वैसी दो, इन सबका जब होगा दो दो ही चार, चार किया बारह, बारह पी क्यू जमा तीन का मुरब्बा नौ, क्यू की कुवत दो, नौ क्यू की कुवत दो। इस तरह से जवाब आया है टू पी न फिर थ्री क्यू कॉस की कुवत दो का जवाब है चार पी की कुवत दो न फिर बारह पी क्यू जमा नौ क्यू स्क्वायर।